सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी मैथ की सीरीज चलेगी और ये मैथ की सीरीज आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, एफसीआई, बैंक, आईबीपीएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी छात्र चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। जो आज हम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो मैथ्स के परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, एमटीएस और सी सेट, एफसीआई, आईबीपीएस और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं और प्रतिशत के चुनाव संबंधित प्रश्न आज की सीरीज में चुनाव संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, कितना प्रतिशत कमी यहां पे क्या होगा, कमी। ठीक है, इतना त्रुटि था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं प्रश्न कैसा है। और ऐसे ही प्रश्न आपके हायर लेवल के एग्जाम में आते हैं, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है देखेंगे। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। एक मतदाता क्षेत्र है जिसमें कुल मतदाता महिला और पुरुष को मिला के 55% उसमें से क्या है, पुरुष हैं, और शेष महिलाएं क्या हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, जितने भी पुरुष हैं उसमें से 40% क्या हैं, अशिक्षित हैं, और महिला और 40% क्या है, महिलाएं शिक्षित हैं। तो क्या बोल रहा है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत का कम है। क्या बोल रहा है, देखिए अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न कथन बेस्ड होते हैं, इसमें ना तो कोई ढंग से आंकड़ा दिया होता है, सिर्फ परसेंटेज दिया होता है। तो परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है, पुरुष हैं। तो मान लेते हैं कि उस मतदाता क्षेत्र में 100% मतदाता हैं, कितने 100% मतदाता हैं। अब 100% में से 55% क्या है बताइए, पुरुष, और 100 में से 55% अगर पुरुष हैं तो बचा क्या 45%, यानी 45% क्या है जरा बताएं, महिला। अब देखो 100% मतदाता में से 55% पुरुष हैं, 45% महिला है। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, यदि 40% पुरुष क्या है, अशिक्षित हैं, हमारे पास टोटल पुरुष की संख्या कितनी आ गई 55। अब 55 में से 40% क्या है, अशिक्षित हैं, तो 55 का 40% क्या होगा, 55 × 40 और बटे 100 लगाइए यहां पे, 0 0 कटा, 2 × 4 और 2 × 5 10, नीचे 5 है तो ऊपर 5 से कटेगा 11 बार में 11 × 2 22, यानी 55 में से 22 पुरुष क्या हैं, अशिक्षित हैं, क्या हैं, अशिक्षित हैं। 55 में से 22 पुरुष अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे, 33 पुरुष क्या होंगे, शिक्षित होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यदि 40% पुरुष क्या है, अशिक्षित हैं, तो 55 का 40% कितना आया, 22, यानी 55 में से 22 क्या है, अशिक्षित हैं, और शिक्षित कितने हैं, 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 40% महिलाएं शिक्षित हैं, 40% क्या है, महिलाएं शिक्षित हैं, टोटल महिलाएं कितनी है 45%, और 45% का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कटा 2 × 4 2 × 5 10 और 5 × 45 9 × 2 18, यानी 45 महिलाओं में से 18 महिला क्या है जरा बताइए, 18 महिला क्या है, शिक्षित है, 18 महिला क्या है, शिक्षित है। ठीक है, तो अशिक्षित महिला क्या है, अशिक्षित, ये शिक्षित महिला 18%, अशिक्षित कितनी होंगी, 45 में से 18 गया तो बचा कितना, 27। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अशिक्षित नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शिक्षित, शिक्षित महिलाओं की संख्या, क्या बोल रहा है, शिक्षित महिलाओं की संख्या। तो ये बताइए शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है, शिक्षित महिला की संख्या कितनी है बताइए, 18,
ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी, संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो शिक्षित महिला कितनी है, 18, और किससे तुलना कर रहा है, अशिक्षित पुरुष से। तुलना किससे कर रहा है, अशिक्षित पुरुष से। तो देखो ये रहा अशिक्षित पुरुष, अशिक्षित पुरुष कितने हैं, 22। अब देखिए शिक्षित महिला कितनी है, 18, और अशिक्षित पुरुष कितने हैं, 12। तो कितना परसेंट कम है, किनसे, अशिक्षित पुरुष से कितना परसेंट कम है। अब देखिए 18 शिक्षित महिलाएं हैं और अशिक्षित क्या है, 22 पुरुष हैं, इनके बीच में कितने का अंतर, 4। अब 4 कम है ना, 4 कम है ना, शिक्षित महिलाएं कितना कम है, 4 कम है, कितने में से कम है, 22 में से कम है ना, तो ऊपर रहेगा अंतर, और किससे कम है, 22 से, तो 4/22 × 100। अब देखो 2×2 = 4 और 2×11, अब 2 गुणा होगा 100 से, 2 गुणा हो जाएगा 100 से, तो कितना जाएगा, 200, और 200 बटे में क्या रहेगा, 11, यानी 200 का भाग देंगे किससे, 11 से, 11 × 11 = 11, 20 में से 11 गया, कितना बचा, 9, 0, और 11×8 = 88, तो कितना जाएगा, 2, 18 सही 2/11, 18 सही 2/11, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, इसमें नहीं है, ठीक है, 18 सही 2/11, यानी कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है जरा बताएं, शिक्षित महिला अशिक्षित पुरुष से कितना परसेंट कम है, तो 18 सही 2/11% कम है। तो ये इसका आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ने डाले गए मतों के साथ 60% मत प्राप्त किया, उम्मीदवार ने डाले गए मतों के साथ 60% मत प्राप्त किया और 14,000 मतों से जीत गया। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये जब इस प्रकार से बोले कि 1200 मतों से जीत गया, 1400 मतों से जीत गया, 1500 मतों से जीत गया, 1800 मतों से जीत गया, तो वह हार और जीत का अंतर होता है, उतने मत हार और जीत का क्या होते हैं, अंतर होते हैं। जैसे इस प्रश्न में क्या बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, और एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया, जितने भी मत डाले गए उसमें कितना प्राप्त किया, 60%, और वह 14,000 मतों से जीत गया। देखिए यहाँ पर कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है कि कितने मत अवैध घोषित हो गए, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या दिखा रहा है, चलिए देखिए, 2 उम्मीदवार थे ना, और हमें ये नहीं पता कि कितने मत डाले गए, मान लेते हैं कि 100% मत डाले गए, मान लेते हैं कि 100% मत डाले गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 60%। अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। जीतने वाले को कितना मिल रहा है, 60%, हारने वाले को कितना मिल रहा है, 20, और जीत और हार का अंतर कितना है, 20%, 60 और 40 में कितना अंतर है, 20%। देखिए यहाँ पर हार और जीत का 20% अंतर है, अब प्रश्न में कितना अंतर है, 14,000। देखो कभी भी बोलता है ना कि 14,000 मतों से जीत गया, तो ये जो से होता है 14,000 से, यही क्या होता है, अंतर होता है, हार और जीत का अंतर होता है। तो जीतने वाला कितने मतों से जीता है, 14,000। अब देखिए जीतने वाले को परसेंटेज कितना मिला है, 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%, 60 और 40 का अंतर कितना है, 20%, हमारा अंतर आया है 20%, अब प्रश्न का अंतर कितना है, 14,000, हमारा अंतर आया है 20% और प्रश्न का अंतर है 14,000, तो आप एक काम कीजिए, 20% बराबर किसका मान हो जाएगा, 14,000। अगर 20% बराबर में 14,000 है तो 1% बराबर में क्या हो जाएगा, 14,000/20, तो 0 से 0 कटेगा, 2×7 = 14 और ये कितना जाएगा, 700, तो 1% का मान कितना आ गया, 700। देखिए अभी 1% का मान आया है 700, 1% का मान आया है 700, और हमें क्या निकालना है, देखिए मतों से जीत गया तो विजेता द्वारा मतों की संख्या, यानी जो
जो चुनाव में जीता है उसको टोटल कितने मत मिले हैं। ठीक है, उसको कितने मत मिले थे जरा देखिए, 60%। कितने मत मिले थे? 60%। और यहां पर हम 1% मत का मान निकाल चुके हैं। 1% मत का मान कितना है? 700। 1% मत का मान अगर 700 है तो 60% मत का मान कितना होगा? क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 60 गुणे कितना? 700। 7 छंग 42 और कितना जीरो? 3 जीरो। तो यानी 42,000 मत कितने मिले हैं? 42,000 मत। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42,000 मत जीतने वाले को मिले हैं। अगर इसी प्रश्न में ये बोल देता कि हारने वाले कितने मिले हैं, तो जरा देखो हारने वाले का कितना परसेंट है? 40%। 1% का मान कितना है? 700। तो 40% का मान कितना होगा? तो हम क्या कर देते? 40 गुणा क्या कर देते? 700 कर देते। और 4 7 28 और 3 जीरो, यानी हारने वाले को कितना मिला है? 2800। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर ये पूछ लेता कि टोटल कितने मत डाले गए, अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लेता कि टोटल कितने मत डाले गए, तो हम कितने मत डाले गए थे? हमने कितना माना? 100%। और 1% का मान कितना है? 700। तो 100% का मान कितना होगा? गुणा कर देंगे 100 में 700। तो 700 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा बताइए? 70,000। यानी इस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए थे? 70,000। अच्छे समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, हार जीत अंतर कुल मत सब निकाल सकते हैं। कब? जब आप 1% का मान निकाल लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। कॉलेज के चुनाव में दो उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तब डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितने मत डाले गए इसकी संख्या याद करनी है हमें। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। एक कॉलेज के चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो। सीधी सी बात है, कहीं पर भी अगर चुनाव होता है तो वहां पर हार और जीत दो ही लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है जरा देखो। कॉलेज के चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का कितना मिला? 60%, और वह 16,000 मतों से जीत गया। वह 16,000 मतों से जीत गया। इसका मतलब कि हार और जीत 16,000 मतों से हुई है। जीतने वाले को 16,000 ज्यादा मिले हैं और हारने वाले को 16,000 कम मिले हैं, और हमें निकालना है कि टोटल कितने मत डाले गए। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि टोटल कितने मत डाले गए? 100%। मान लेते हैं कि टोटल 100% मत डाले गए। 100% में से जीतने वाले को कितना मिला? 60%। 100% में से जीतने वाले को कितना मिला? 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। कितना मिला होगा? ये देखो 60% कौन है? ये 60% जीतने वाला है और 40% कौन है? हारने वाला है। अब देखो, जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%, इसके बीच में अंतर कितना है? 20% का। हार और जीत का अंतर कितना आया? 20%। हमारा हार और जीत का आंसर आया 20%। प्रश्न का कितना है? 16,000। तो हम क्या करेंगे? 20% बराबर में कितना? 16,000। हमारा अंतर और प्रश्न का अंतर, ठीक है, हमारा अंतर और प्रश्न का अंतर क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, हमारा परसेंटेज का है, वहां मतों का है। तो 20% बराबर 16,000, तो 1% बराबर में कितना होगा? 16,000 बटे में कितना? 20 जीरो जीरो कटा, 2 8 16 कितना आ गया? 800। 1% का मान कितना आ गया? 800। 1% का मान कितना आ गया? 800। अब 1% का मान अगर आपका 800 आया है, पूछा क्या गया है? डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या हमने कितना परसेंट माना था? 100%। और 1% का मान कितना है? 800। तो 100% का मान कितना होगा? गुणे कितना है? 800। 800 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 80,000। यानी कितने मत डाले गए थे? 80,000। तो ऑप्शन में से कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे हैं और पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। जो पहला वाला उम्मीदवार है उसने कुल वैध मत, देखिए वैध मत का मतलब ऐसे मत जो खराब नहीं हुए हैं। जब भी
पेपर बैलेट पेपर में ठप्पा मारना होता है तो उसमें जो ठप्पा है कभी इधर उधर चला जाता है तो बैलेट पेपर खराब हो जाता है, उसको अवैध मत बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया और कुल मतों की संख्या कितनी थी 6000, कुल मतों की संख्या कितनी थी 6000। तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए, यदि कुल मतों का 25% क्या हो गया है अवैध। अब देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि कुल मत कितने डाले गए, जरा फिर से पढ़िए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, बिल्कुल सही, पहले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 65% ना, वैध मतों का 65%। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है 6000, टोटल मत कितने डाले गए थे, अब 6000 में अवैध और वैध दोनों हैं, टोटल कितने डाले गए थे 6000 गुणा 6000 में से कितने अवैध हो गए 25%, अब 6000 में से 25% खराब चले गए तो बचे कितने 75%, तो गुणा कर दो 75%। अब ये क्या है, ये टोटल वैध मत है, ये 75% टोटल क्या है वैध मत, जीतने वाले को कितना मिला है 65%, और हमसे पूछा किसको गया है, दूसरा वाला उम्मीदवार, जीतने वाले को 65% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा 35%, तो गुणा कर दो यहाँ पे कितना 35/100, 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0, खाली हमारे पास क्या बचा 6 × 75 × 35/10 कितना 10। अब जरा देखिए 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 3 × 75 × 7, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, तो 75 × 21 यहाँ कर लेते हैं 75 × 21, ये कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 × 7 × 2 × 5 = 10 × 0 = 1 × 2 = 14 = 15, तो 5 × 7 = 5 = 1 यानी 1575, कितने 1575, तो हारने वाले को टोटल कितने मिले हैं 1575, 1575, आए समझ में, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को करना होता और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत 55% मत प्राप्त किया, यानी जो जीता है उसको कितना मिला है 15%, तथा तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार ने कितना किया 5%, और यदि जीतने वाले उम्मीदवार 900 मतों से क्या हो गया जीत गया, देखो जहां पे फिर क्या है से आया है, कहीं पर भी अगर से आ जाए तो इसका मतलब होता है अंतर, कि जो जीतने वाला है और जो हारने वाला है उनके बीच में कितने का अंतर है 900 का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल का, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला है 5% मत मिला है, और जो तीसरे सॉरी 55% कितना मत मिला है 55%, और फिर क्या बोल रहे हैं, तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किया है, जो तीसरे स्थान में आया उसने कितना प्राप्त किया है 5% किया है। ठीक है, और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह कितने मतों से जीत गया 900 मतों से जीत गया, तो हमारे पास कुल मतों की संख्या क्या है, कोई भी मत अवैध नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए 100%, ध्यान दीजिएगा, चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए 100%, 100% में से ध्यान दीजिएगा 100% में से जीतने वाले को कितने मिले 55%, 100 में से जीतने वाले को कितने मिले 55%, और तीसरे व्यक्ति को कितने मिले 5%। अब जरा बताइए, जीतने वाले को मिला 55%, तीसरे व्यक्ति को मिले 5%, तो 55 + 5 कितना हो गया 60, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%, हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। अब बताइए 55 मिला है जीतने वाले को और 40 मिला है हारने वाले को, तो जीतने वाले में और हारने वाले में कितने का अंतर, देखो जीतने वाला 55 है हारने वाला 40 है, तो जीतने वाले और हारने वाले में कितने का अंतर है जरा बताइए, 55 और 40 में कितने का अंतर 15% का अंतर, यहां पर हमारा अंतर है 15%, अब प्रश्न का अंतर कितना है 9000, यानी 15% बराबर में कितना हो जाएगा 9000, तो 1% बराबर में कितना हो जाएगा 9000 / 15%,
देखो आप कर सकते हैं ना, 15 छक्के 90 और कितना आ जाएगा 600। 1% का मान कितना आ गया 600। 1% का मान कितना आ गया 6। उन्होंने क्या बोला था, कुल मतों की संख्या। क्या निकालना है हमें, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी है 100%। कुल मतों की संख्या कितनी है 100%, और 1% का मान कितना है 600। तो कुल मतों की संख्या निकालेंगे तो 100% में गुणा क्या कर देंगे 600, तो कितना आ जाएगा हमारा 60,000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी है 60,000। कुल मतों की संख्या कितनी है 60,000। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों करा होता है। देखिए इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यही होता है ट्रिक, और इसी तरह से आप 30 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।